हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग चित्रा में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत। आज हम आ गए हैं भानु प्रतापपुर में, जो कांकेर जिला में आता है, जिधर से हम यहां से जाएंगे आगे कुंडा गांव की ओर। यहां से अब जैसे ही आप आएंगे भानु प्रताप से कांकेर की रोड नारायणपुर इधर जाता है, कुंडा गांव जाता है, जिधर बीच में ही मिल जाएगा स्विनार ट्रैक्टर्स करके शॉप का नाम है, और यहाँ सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स भी मिलते हैं और महिंद्रा कंपनी का डीलरशिप भी है, जिसमें आप देख सकते हैं डोजर है, 605 DI मिल जाएगा, महिंद्रा का 575 DI है, करीबन ये देखिए 57 HP से लेके सभी। और यहाँ सेकंड हैंड में मैसिव ट्रैक्टर्स दिखाने वाला हूँ, और जिसमें कम से कम बजट में दिखाऊंगा। यहाँ भानु प्रतापपुर में अभी तक वीडियो नहीं बना था, तो एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलो भैया को बुलाते हैं, पूरा डिटेल्स बताते हैं। हम आज आए हैं यहाँ कोंडा गांव में, जहाँ महिंद्रा ट्रैक्टर सिवनार ट्रैक्टर्स के नाम से और महिंद्रा कंपनी का डीलरशिप है, जिसमें यहाँ सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स है, महिंद्रा का मैफी का है, और यहाँ जॉन डियर भी है, और बहुत सारे उधर पीछे देख सकते हैं न्यू हॉलैंड है, साथ ही इधर मैफी का 1134 वाला है, जिसमें भी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम पांडे। वेलकम माई यूट्यूब चैनल शिवम पांडे। बिल्कुल शिवम पांडे। ये शॉप कब से है? ये शॉप समथिंग सर 2012 से। और यहाँ स्टार्टिंग प्राइस क्या रहता है सेकेंड हैंड में? सेकेंड हैंड में सर अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग रेंज रहता है। और यहाँ फाइनेंस की सुविधा है? हाँ, सभी गाड़ियों के लगभग। अदर स्टेट से कोई लेना चाहे तो अदर स्टेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जैसे कि ये जो प्राइस रहेगा उसमें पेपर इंक्लूड रहेगा नाम ट्रांसफर का कि अलग से लगेगा? आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, आप चाहो तो अपने आप से भी नाम ट्रांसफर करवा सकते हो सामने जब बैठक के टाइम। अभी कौन कौन सा ट्रैक्टर है अभी आपके पास? अपने पास अभी इस समय 35 HP से लेके 60 HP तक के सारे ट्रैक्टर अवेलेबल है। 35 HP से 60, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 35 HP से 1134 में एसी का। 1134 है मैथी का। हाँ। आपको 1134। हाँ। ए है उधर तुम तक ले लेने। मॉडल नंबर ए है, लगभग 13 का मॉडल है, 2013 का मॉडल है। 35 HP 35 HP समथिंग 3 लाख रुपए का पड़ेगा आपको। 3 लाख पूरा कंप्लीट आपको नागर खेजबिल के साथ। हाँ। नया नागर खेजबिल लगा के देंगे हम, उसके साथ 3 लाख रुपए का कम्प्लीट। प्राइस कम ज्यादा होगा ना? हाँ, उस समय डील के क्रैक करने के टाइम के बाद देखेंगे। ये अपना DLX महिंद्रा का 275 DI है, TU है, 39 HP का आता है आपको। 39 HP का है। ए मॉडल नंबर है आपका? हाँ। ए 14 का मॉडल है, 15 का रजिस्ट्रेशन है। 15 का रजिस्ट्रेशन है। ये आपको समथिंग 3.5 लाख रुपए का पड़ जाएगा। कितने HP का होगा ये? ये 39 HP का आता है। 40 HP में। और कितना घंटा चला होगा ये? समथिंग 2000 घंटा चला होगा, 2022। कितना चला था मैसी का? मैसी का भी वही है 2022। उसमें का पूरा हुड वगैरह कंप्लीट करके देंगे। हाँ, आपको पूरा यहाँ शोरूम में पूरा कंप्लीट करके ही जाएगा। इसके बाद देखेंगे सरपंच में है 475 DI। ये सरपंच है 2013 मॉडल का। हाँ। ये आपको समथिंग 2.5 लाख के पड़ जाएगा। ये कितने HP? 42 HP में आता है। ये सरपंच 475 42 HP का है। 42 HP ना। कितना घंटा चलोगे ये? लगभग 2600 घंटे चला है। 2600 घंटा। क्या डिमांड रखे इसका? इसका सर 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। 2.5 लाख। ये भी कम ज्यादा होगा ना? हाँ। जितने प्राइस बताएंगे उसमें कम ज्यादा होगा, 10-20 हजार का अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे महिंद्रा का 475 DI। ये 475 ये भी 42 HP का है, 2014 मैन्युफैक्चर है। हाँ। 2014 मैन्युफैक्चर है, 2000 ये भी आपका 2014 मैन्युफैक्चर, 2014 रजिस्ट्रेशन है। ये समथिंग आपको 3.5 लाख रुपए पड़ेगा नागर केजविल की कंप्लीट करके। नया नागर केजविल पासिंग का कुछ इशू नहीं रहता ना? नहीं, पासिंग का कोई इशू नहीं है। पासिंग का कोई हुड वगैरह पूरा कंप्लीट करके, पूरा कंप्लीट करके जितना नागर केजविल भी रहेगा केस में, जितना बता रहे हैं नागर केजविल भी ऐड सभी ट्रैक्टर्स में। हाँ, सभी ट्रैक्टर में नागर केजविल। आरटीओ इंश्योरेंस इसके साथ अलग से है, अलग से रहेगा। हाँ, नागर केजविल। इसके बाद है बी 275 DI महिंद्रा का। 275 DI महिंद्रा का है, 2017 का है मैन्युफैक्चर, 2017 का मैन्युफैक्चर, 2017 का रजिस्ट्रेशन है। ये भी आपको समथिंग 3,80,000 रुपए पड़ेगा। 3,80,000 नागर केजविल के साथ प्लस रजिस्ट्रेशन अलग आपका। अच्छा। इसके बाद है ये वाला भूमिपुत्र में 575 DI। 575 2014 मॉडल है। हाँ। 2015 मैन्युफैक्चर है, देख रखते हैं अभी नया इसमें लगा है कंपनी का। अच्छा। ये भी आपको समथिंग 4 लाख रुपए पड़ेगा। 4 लाख। ये कितने HP का होगा? ये 575 है, आपको 45 HP का आएगा। 45 HP। कितना रनिंग हुआ होगा इसका? इसका रनिंग है 1800 समथिंग। 1800 समथिंग। अभी आगे है ये महिंद्रा सेम। महिंद्रा का ज्यादातर ये सब ट्रैक्टर है क्या? नहीं, कुछ इसमें फीचर भी आते हैं, एक्सचेंज भी गाड़ियां आती हैं, जो नया लेते हैं उनको अपन एक्सचेंज करके देते हैं, तो उसका एक्सचेंज गाड़ियां भी पड़े। 275 ये 275 है आपका, इको है, ये 35 HP का ट्रैक्टर है। 35 HP ये 35 HP का है, 2013 मॉडल है। हाँ। ये आपको 3 लाख रुपए में पड़ जाएगा कंप्लीट। कितना चला होगा ये?
ये लगभग जो है चला होगा 1900 से 2000 के समथिंग, 1900 से 2000। इसके बाद है ये डोजर दिखाएंगे महिंद्रा का, 605 60 एचपी आता है ना, 605 57 एचपी का आता है। अच्छा अपना देखेंगे तो 57 बोलते हैं, हाँ 57 है, उसे 60 बोल के बेचते हैं, 57 एचपी का है आपको। ये कौन सी मॉडल होगी? ये 2018 मॉडल है, 2018 मैन्युफैक्चर, 2018 रजिस्ट्रेशन है इसका। अपन रखे हैं 7 लाख रुपए कंप्लीट, 7 लाख। नए में क्या पड़ता होगा? ये नए में 11.5 लाख रुपए है। 11.5 कितना चला होगा? ये ज्यादा नहीं चला है, लगभग 800 से 900 घंटे चला, 800 से 900 घंटे। इसके बाद एक और है डोजर, ये वो 575 है, खींचा हुआ नहीं मैं। अच्छा अच्छा, ये 575 है, अभी आया है, खींच के आया है। ये आपको 2019 का मॉडल है, हाँ। ये 2019 का मॉडल है, समथिंग पड़ जाएगा आपको 5.5 लाख रुपए का। 5.5 लाख में कितना चला होगा? ये समथिंग चला होगा 700 घंटे। 700 घंटे कितने एचपी में हो गई? ये 45 एचपी का था, 45 एचपी। इसके बाद देखेंगे इधर और है महिंद्रा का, ये भी क्लियर है, ये है B275D, 39 एचपी का है। आपके पास 275 का बहुत सारे ट्रैक्टर्स है ना? बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, ये 39 एचपी का है, ये है 2014 का, 2013 मैन्युफैक्चर है, 2014 रजिस्ट्रेशन है। हाँ। ये समथिंग इसका भी 3,30,000 रुपए, 3,30,000। वीडियो थोड़ा जल्दी लेने कोशिश करते हैं, अंधेरा हो रहा है भैया। ये वाली 2015 मैन्युफैक्चर है, 2016 रजिस्ट्रेशन है, 575 45 एचपी का है, ये समथिंग 1200 घंटे चला है। हाँ। ये आपको 4 लाख रुपए में नांगर केजबिल के साथ कंप्लीट, नांगर केजबिल के साथ सभी ट्रैक्टर्स जो बता रहे हैं प्राइस, नांगर केजबिल सब नांगर केजबिल ऐड करके ही देंगे अपन। इसके बाद है B275DI DLX, 275 DI DLX, ये आपको TU है, 39 एचपी का है, 2014 मैन्युफैक्चर है, 15 रजिस्ट्रेशन है। क्या रेट रखे इसका? 3,30,000 रुपए में। कितना चला होगा? ये समथिंग चला होगा 1800 से 1900। और ये आपका एड्रेस कहाँ आता है भैया? मैं ये भानु प्रतापपुर कांकेर जिला में आता है, भानु प्रतापपुर कांकेर जिला में आता है। ये मेन रोड में ही मिल जाएगा? मेन रोड में है, आपको नारायणपुर रोड में है, भानु प्रताप टू नारायणपुर रोड। अच्छा, इसके बाद है जोंडियर का 50-55 डोजर, 50-55 ही डोजर कंप्लीट है, ये 55 एचपी का ट्रैक्टर है, 2015 मैन्युफैक्चर है, 2016 रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, कितने एचपी में बोले? ये 55 एचपी का ट्रैक्टर जोंडियर चला होगा, ये समथिंग चला होगा 2800 घंटे। 2800 घंटे क्या डिमांड रखे इसका? इसका सर 5 लाख रुपए में कंप्लीट दे देंगे अपन, पार्टी इंश्योरेंस करके डोजर के साथ। इसके बाद है मैसी का 241DI, 241DI है, प्लेनेटरी वाला है क्या सर? हाँ, ये 35 एचपी का ट्रैक्टर है। हाँ, ये आपको 2014 मैन्युफैक्चर है, 2014 मैन्युफैक्चर है, 2014 रजिस्ट्रेशन है, आपको 3 लाख रुपए में कंप्लीट दे देंगे। 3 लाख रुपए में कंप्लीट, कितना चला होगा? ये लगभग 1300 घंटे चला होगा, 1300 घंटे। इसके बाद देखते हैं महिंद्रा का, सेम दो वही है ना, सेम दोनों सेम है, 275 DI 39 एचपी का ट्रैक्टर है, वो भी वही है। कौन सी मॉडल है दोनों? ये दोनों 2013 मॉडल है। दोनों प्राइस क्या है? प्राइस समथिंग सेम ही है, आपको 3,30,000 रुपए में दे देंगे, 3,30,000 में। वो वाली ट्रैक्टर भी है क्या? वो ट्रैक्टर है बट वो स्क्रैप का है। अच्छा, स्क्रैप है। और अभी उधर कौन सा ट्रैक्टर है? बाकी और भी अपने पास आते रहते हैं मॉडल, अलग अलग आते रहते निकलते रहे। ट्रॉली वगैरह मिलता है? हाँ हाँ, ट्रॉली भी मिलता है, सेकंड हैंड हाइड्रोलिक 2 चक्का ट्रॉली समथिंग 1,30,000 1,40,000 जैसा की उसका कंडीशन रहता है, कंडीशन के देख देख के। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, थैंक यू।